का जो डिनोमिनेटर है अगर वो 2^m और 5^n के फॉर्म में है तो ही आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस मेथड से निकाल सकते हैं, तो ही आप बता सकते हैं कि ये रेशनल है, और तो ही आप बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग। चलो आप टेस्टिंग शुरू करते हैं। हमारा नंबर है x इक्वल 7/625, समझ गए। चलिए आइए इसको एक्सप्रेस करते हैं। देखो ये इवन तो है, इसमें 2 आने की तो गुंजाइश ही नहीं है, 2^0 है, 2^0 क्या है, 0, लेकिन 5^0 क्या है, 4, 5^0 क्या है बोलिए, 4 है, 5^0 क्या है बोलो, 4 है, ठीक है ना। अब समझो तो हमको चाहिए कि 2^2 भी क्या मिल जाए, 4। कैसे आएगा? ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझो 7 × 2^4 कितना होता भैया, 16, 2^4 कितना होगा, 16, ऐसा लिख दो, a^m × b^n, मतलब a × b की होल पावर क्या, n। आगे समझो 16 × 7 = 112। अब आगे देखिए 2^5 = 10, 10 की पावर क्या, 4। हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 112/1, 2, 3, 4, जितनी पावर उतने जीरो। कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, 4 डिजिट के बाद, 0.0112। क्या समझ में आया, x की वैल्यू आ गई, क्या ये टर्मिनेटिंग है, जल्दी देखो, हाँ भैया टर्मिनेटिंग है। क्या ये रेशनल है, ऑब्वियसली हर टर्मिनेटिंग रियल नंबर क्या होता है, रेशनल होता है, ठीक है ना। चलिए क्या ये रेशनल है मालूम चल गया, क्या ये टर्मिनेटिंग है मालूम चल गया, क्या यही इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, हाँ ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। तीनों चीजें फाइंड कर ली आपने एक प्रॉब्लम में, क्या शर्त रहेगी समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्म में या तो ऑलरेडी दिखे, तो दिख तो रहा था यहां पे, 2^2 क्या था पहले, 0, क्योंकि देखो हमको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, 1/ या कुछ भी, p/2^m और 5^n, m और n दोनों क्या होना चाहिए, होल नंबर, m और n दोनों क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो अभी यहां पे क्या था, 2^0 और 5^4, मतलब था ना होल नंबर, ऐसा तो ये चल जाएगा, ठीक है ना, समझिएगा। मतलब इस नंबर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, याद रखना, दो में से कम नॉन जीरो होना चाहिए, समझिएगा, दो में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। आ गया समझ में, दो में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, दोनों जीरो नहीं चलेंगी, ठीक है। अगर ये 2 और 5 कुछ भी ना होता ना, फिर तो ये इरेशनल होता, क्या होता, इरेशनल। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है बताइए, समझ में आ गया, रेशनल है पता चल गया, टर्मिनेटिंग है पता चल गया, डेसिमल एक्सपेंशन भी, छापिए इसको भी, 5वां प्रॉब्लम था ये, छापो। एक और कोई बताए वैसा वाला, बिना रेशनल वाला, इसमें दिख नहीं रहा कोई यार, 7/13 कर लेना आप, इसको करना, देखो 7/ मैं कर देता हूँ, आप क्यों करोगे, देखो यार ये समझ में आ गया सबको, मैं कर देता हूँ, समझ में आ गया सबको, ये अच्छे से बन जाएगा ना। आप क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को 2^m और 5^n में कन्वर्ट करना है। अभी ऑलरेडी है ना, तभी रेशनल हो सकता है, ठीक है ना, ये था 2 वाला नहीं था, तो मैंने 2^4 का ऊपर नीचे मल्टी डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, 2^4 का मल्टी डिवाइड, ठीक है, मल्टी डिवाइड कर दिया, तो एक जैसे हो जाएंगे ये। चलो देखो यार अगला वाला देखो, 6th कराते हैं, बहुत अच्छा, 6th नहीं है, मैं अपने से करा रहा हूं एक क्वेश्चन, है ना, 7/13। देखो यार अगर आप 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ना तो 2 आएगा और ना ही 5, क्योंकि 13 खुद क्या है, प्राइम नंबर है। 13 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ना तो 2 आएगा और ना ही 5, तो अगर 2 और 5 नहीं आ रहा, मतलब आप इसका इस मेथड से ना तो डेसिमल एक्सपेंशन पता कर सकते हैं, ना इसको रेशनल बता सकते हैं, रेशनल चूंकि और पहले से है वो, ना तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं और ना ही इसको आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पहले से p/q में लिखा है, मतलब ये रेशनल तो ऑलरेडी है,
ये रेशनल तो ऑलरेडी है, लेकिन आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस मेथड से नहीं बता पा रहे हो। आप ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है इस मेथड से नहीं बता पा रहे हो। आया समझ में? क्यों? क्योंकि इसमें 2 to the power m और 5 to the power n नहीं है। होमवर्क डाल लो, टाइप 3 का हर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन, ठीक है ना, टाइप 3 का हर क्वेश्चन आपको बनाना है। एक भी ना बने छोड़ देना, सारे बन जाए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना। एक भी ना बने ना छोड़ देना, घबराने की तो जरूरत ही नहीं है, और सारे बन जाए तो क्या कहने यार फिर, है ना। छापो इसको बढ़िया और सॉल्व करिएगा, ठीक है। बाकी बातें कल, होमवर्क जरूर भेजिएगा हमको, है ना, होमवर्क भेजिए।